दोस्तों, कहा जाता है कि पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहां हर राज्य अपनी अलग अलग पहचान और गौरव के लिए जाना जाता है। बात अगर भारत के राज्यों की हो और अरुणाचल प्रदेश का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम और मैं आज आपको लेकर चलने वाला हूं भारत के सबसे बेहतरीन और सबसे सुंदर राज्य अरुणाचल प्रदेश के सफर पर। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश 83,733 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल लिए एक बड़ा राज्य है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का 44% हिस्सा पहाड़ी से घिरा हुआ है, जो कि एक बड़ा हिस्सा है, अपनी खूबसूरती का परिचय देता है। अगर बात करें इसकी जनसंख्या की, तो अरुणाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या लगभग 20 लाख है, जो कि भारत के सबसे तीसरा कम जनसंख्या वाला राज्यों में शामिल है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान, चीन और म्यांमार से होकर गुजरती है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की अगर हम साक्षरता दर को देखें, तो अरुणाचल प्रदेश में लगभग 67% लोग शिक्षित हैं। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर नज़र डालें, तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की कुल GDP 12% है। अगर हम थोड़ी गहराई में जाकर वहाँ के लोगों के लिए प्रति व्यक्ति आय निकालें, तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के लोगों की लगभग 2 लाख रुपये हो जाता है। अगर हम $ में देखें, तो लगभग $2,422 होते हैं। अपने आप में विशालतम परिचय देने वाला ये राज्य भारत के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों का भी एक बहुत बड़ा केंद्र है, जो कि देश दुनिया से आए लोगों के लिए मशहूर है। दोस्तों, अगर अरुणाचल प्रदेश की हम खूबसूरती गिनने लग जाएं, तो फिर बहुत समय लगेगा। फिर भी अगर आप अपनी छुट्टियां अरुणाचल प्रदेश मनाने की सोच रहे हैं, तो हम आपके लिए कुछ जगह सुझाव दे सकते हैं। अगर आप झील या नदी देखने के लिए शौकीन हैं, तो आपको गंगा झील, ईटानगर, नगुआ झील जो कि तवांग में है, और पतंग सोलीक झील, माधुरी झील, मोती झील, रंगेश्वर झील देखने जा सकते हैं। वहीं बात करें अरुणाचल प्रदेश की कुछ नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और लोहित और दिबांग नदी देखने आप जा सकते हैं। पर आपको अगर पार्क देखना पसंद है, तो आप अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के प्रसिद्ध पार्क इंदिरा गांधी पार्क, एनर्जी पार्क, बायोलॉजिकल पार्क, पब्लिक पार्क, IG पार्क में जा सकते हैं। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की धार्मिक स्थलों की, तो धार्मिक स्थलों में आश्रम निर्गुण, आकाशगंगा मंदिर, तवांग मठ, ओरिंगिल मठ, बमडीला मठ, बौद्ध मंदिर ईटानगर, ग्यूटो तांत्रिक मठ, गुरसेम चोर्टेन आदि जगह प्रमुख हैं। अगर बात करें दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा की, तो वहाँ के प्रसिद्ध बोली जाने वाली भाषा हिंदी, असमिया सहित 30 से 50 अलग अलग भाषा बोली जाती है। दोस्तों, अगर आप वहाँ के खाने के रेसिपी को देखना चाहते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश के लोग खाने में पानंग मरुआ, लुकटेर, नौमू फन, चावल आदि बड़े चाव से खाते हैं। दोस्तों, अगर बात करें पहनावे की, तो भारत के अन्य राज्यों से अरुणाचल प्रदेश का पहनावा भी बहुत अलग है। अरुणाचल प्रदेश के लोग जैकेट, शॉल, पैंट, शर्ट पहनना पसंद करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें कृषि की, तो अरुणाचल प्रदेश भारत में गेहूं, मक्का, जौ, बीन्स, काले चना आदि इन सभी उपजों के लिए प्रसिद्ध है। वही दोस्तों अरुणाचल प्रदेश जो कि पहाड़ों और गुफाओं से भरा हुआ है, तो अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादातर आपको पहाड़ और गुफा की शांति एवं खूबसूरती देखने को मिलेगा। अगर आप ये वीडियो देखकर अरुणाचल प्रदेश जाने की सोच रहे हैं, तो फिर तो आपको ये सारी चीज़ें वास्तव में देखने को मिलेगी। खैर, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल हो, आप हमसे पूछ सकते हैं।